हाँ जी जी सॉरी, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम्स में, विच इज ग्रेटर। हमारे पास जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वी आर डूइंग, विच इज ग्रेटर। हाँ जी बेटा, दो टर्म्स दी हुई, दैट इज टैन वन और टैन इनवर्स वन, दोनों में से। ओके, क्वेश्चन मेरा फर्स्ट है आज का। तो बता, अगर आपको ग्राफ से याद हो, जब हम टैन का ग्राफ बनाते थे बेटा, हमारे पास ये वाई एक्सिस है ना, अभी आपने ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किया नहीं है, तो मैं आपको समझा रही हूँ। मेरे पास हो गए ग्राफ, अगर मैं टैन का देखूं, ऐसा होता है ना, रफली बनाया मैंने, ये बिल्कुल ऐसे है, ऐसे ही है उसकी, बिल्कुल ऐसा है। आपको पता है ये -π/2 है, ये π/2 होता है, ये ओरिजिन होता है, ये वाई एक्सिस है और इधर एक्स एक्सिस है। तो यू नो इट वेरी वेल, अगर मैं यहां से देखूं, मैं वाई की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करूं, एक्स की वैल्यू इंक्रीज करूं, सॉरी एक्स की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करूं, वाई की वैल्यू इंक्रीज करूं, तो दैट मींस क्या है मेरे पास, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। किस इंटरवल में? -π/2 टू π/2। आप यहां से देखें, ये वैल्यूज बढ़ रही है ना, फिर वाई पॉजिटिव जा रहा है, क्योंकि इधर एक्स मान लो यहाँ पर कोई भी वैल्यू -60 है, फिर इधर है, फिर इधर है, ये एक्स इंक्रीज कर रही हूँ ना मैं इधर, ये देखिए। तो ग्राफ की वैल्यूज भी क्या है, वाई इंक्रीज कर रहा है, तो जब ये इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसे एक्स इंक्रीज होने से अगर वाई भी इंक्रीज होता है तो हम इसे कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, या करोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब आपको ये पता ना कि वन हमेशा π/4 से बड़ा होता है, कैसे? पाई की वैल्यू 1 पॉइंट जो है आप 3 पॉइंट ले लीजिए अप्रोक्सीमेटली, हम 3 पॉइंट ले, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 से लेस ही आएगी, तो दैट मीन्स 1 इज ग्रेटर देन 5। 45 डिग्री नहीं लेना यहाँ, एंगल की बात नहीं। ओके जी, तो अब बेटा हम स्टार्ट करने लगे। अगर मेरे पास हो गए 1 बड़ा है π/4 से, ठीक है, तो दैट मीन्स tan 1 भी बड़ा होगा, tan π/4 से दोनों तरफ tan ही लगा है, ठीक है। अब मेरे पास उधर से tan 1 जो है वो बड़ा है 1 से, तो दिस इंप्लाइज मेरे पास tan 1 ग्रेटर देन 1, और 1 किससे बड़ा है, π/4 से। अब π/4 की जगह पे, क्योंकि आपको पता है π/4 tan इनवर्स 1 होता है ना, तो दैट मीन्स π/4 की जगह पे मैं क्या लगा दू, दैट इज पाई टैन इनवर्स 1। तो यही प्रूफ करना है मैंने कि टैन 1 इज ग्रेटर देन टैन इनवर्स 1। मुझे ये पूछा गया था दोनों में से बड़ा कौन सा, मैंने प्रूफ कर दिया कि टैन 1 बड़ा। ओके बेटा, क्लियर? एनी डाउट टू एनी बात? चलिए बेटा आगे, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं एक दो क्वेश्चन, ताकि आपको इनवर्स के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो पता चले, ठीक है। अब बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट द क्वेश्चन इज, प्रूफ दैट, क्वेश्चन सेकंड है, प्रूफ दैट cot inverse 7 plus cot inverse 8 plus cot inverse 18 is equal to cot inverse 3। अब आपके
आपकी मर्जी है बेटा। अगर आपको cot inverse x plus cot inverse y का फॉर्मूला आता है तो अप्लाई कर दो। नॉर्मली बच्चों को याद नहीं रहता, तो मैं कहती हूँ tan वाला तो याद ही रहता है ना, आपको क्लियर कट पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये इसको tan inverse चेंज करने के लिए आपको पता है 1/2 चेंज करते हैं ना, ये लीजिए कर दी। अब tan inverse x plus tan inverse y, और आपको पता है कि हम क्या कंडीशन चेक करते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, है ना लेस देन 1, हम तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो tan inverse 1/7 plus 1/8 over 1 minus 1/7 into 1/8, ये वाली टर्म as it is हमारे पास। क्लियर? अब क्या करेंगे बेटा आगे, इसको सॉल्व करेंगे। tan inverse मेरे पास हो गए, जब मैंने सॉल्व किया 56 और 8 plus 7 56 over मेरे पास 56 माइनस 1 ओवर 56 है ना, 56 और 56 कैंसिल प्लस tan इनवर्स 1/18 आया। अब यहाँ पर कितना बना 15 और नीचे कितना बना 55, बाकी तो सब कैंसिल हो गया ना, प्लस tan इनवर्स 1/18 अब ये कट गया, 5 3 5 11 का। अब इन दोनों पे लगा दें, क्लियर कट है इन दोनों का प्रोडक्ट भी, क्योंकि ये 3 और 6 कट जाएगा, यानी अगर मैं देखूं तो 3/11 इंटू 1/18 देखो तो ये 1/66 ये लेस देन 1 ही है। मैं आपको चेक करना बता रही हूँ। अच्छा, कई बार जरूरत भी नहीं होती है, बच्चे नहीं चेक करते हैं, हम उसके नंबर नहीं काटते, बट माइट बी कोई ऐसी वैल्यू हो जाए जिसमें वो ग्रेटर देन 1 हो, तो हमें वो वैल्यू नेगेटिव वो एडजस्ट करनी पड़ती है, और किसी के लिए नहीं। बहुत रेयर होता है कि जिसमें आपको एडजस्ट करके क्वेश्चन आता हो, ओके जी, बट फिर भी फॉर योर सेक मैं आप लोगों को कम, आपका तो कॉम्पिटिटिव इतना है नहीं, तो आपके लिए वैसे बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब इन दोनों पे अप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो है, जब इन दोनों पे मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास क्या बना, देखिए व्हाट आई विल गेट हियर, दैट इज tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस a इनटू, ओके बेटा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, मेरे पास हो गए, अगर मैं देखूं तो 11 इंटू मेरे पास जो है 18, हम करके देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए, तो 11 इंटू 18 मेरे पास आया 198, ओके क्लियर बेटा। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशंस कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। tan इनवर्स, हाँ जी, 198, अब 3 × 18 प्लस 11, 3 × 18 54 हो गया, यहाँ 54 लिख देते हैं, नीचे भी बेटा 198 आएगा और 198 माइनस मेरे पास 3 है, 198 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास tan इनवर्स ये बना 65 ओवर मेरे पास ये बना 195। आप खुद ही आंसर देखिए कि मेरे पास 3 बचना चाहिए, तो दैट मीन 65 इंटू 3 कर लो ना, 195 है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं। तो ये tan इनवर्स 1/3 हुआ, तो tan इनवर्स cot इनवर्स 3, ठीक है बेटा, क्लियर, एनी डाउट एनी बात। बहुत इजी सा ये कॉन्सेप्ट था और बहुत बार हम कर चुके, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, फिर लास्ट 15 मिनट्स में वी विल डू द पार्टी। हाँ जी, तो अब मेरे पास हो गए
यहाँ पर देखूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ जी, साइन 2 tan इनवर्स 2/3 प्लस cos tan इनवर्स रूट 3। ओके बेटा, तो अब मेरे पास होंगे यहाँ पर क्या करें, मेरा एक तो यही होगा ना बेटा हमेशा कि अल्टीमेटली ये चीज खत्म हो जाए किसी तरह, और अंदर साइन इनवर्स बने या तो ये कैंसिल हो जाए या बार टैन हो और ये टू ना, तो मैंने क्या किया बेटा, इसको लेट कर, मैंने इसको लेट किया, टैन इनवर्स 2/3 को मैंने थीटा लेट कर, सिर्फ इतना पार्ट पहले मैं करवाने लगी, सिर्फ इतना पार्ट, तो मेरे दिमाग में आया ये साइन 2 थीटा बन गया, साइन 2 थीटा तो बन गया बेटा। अब क्योंकि ये टैन में थीटा है तो ये नहीं करना कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला लगा दो, उसके लिए आपको और लेंथी हो जाएगा कि पहले अंदर वाले को साइन में चेंज करना पड़ेगा, अंदर वाले को कॉस में चेंज करना पड़ेगा। अरे आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टैन के फॉर्म में भी आता है, तो वही लगाओ ना, 2 टैन थीटा ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसका बेनिफिट क्या होगा आप खुद देखना कि आपको सीधा थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स में है तो सीधा ये 2/3 बचेगा, तो मेरे पास ये 2/3 ओवर 1 प्लस 2/3 का स्क्वायर 4/9, तो मेरे पास ये कैलकुलेशंस क्या होंगे, 4/3 ओवर जो है 9 प्लस 4 13 है ना, ये कैंसिल हो गया, तो 4 × 3/13 दैट इज 12/13, ये चीज इस पूरे की जगह पे आंसर मेरा क्या आ रहा है 12। आपने पेपर में ऐसे कभी नहीं करना, आपने सीधा सीधा नीचे करते जाए। अब इसकी टेंशन है, आपको कॉस दिया है, अंदर कॉस इनवर्स बनाना है, तो क्या करें, ट्रायंगल बना लें ना, अब थीटा यहाँ यूज कर चुके हैं तो यहाँ 5 ले लो, ये होता है पी बाय बी, पी जो है रूट 3 बी 1 और मुझे अब एच चाहिए, तो इसका स्केल प्लस इसका स्केल ही 2 बनेगा, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पर चेंज करना है, मैं देखो बीच में प्लस डालने दूँ, यहाँ ये चीज सारी सॉल्व करके मेरे पास 12/13 है, अब बीच में प्लस डाल मैंने यहाँ पर, तो कॉस अंदर भी कॉस इनवर्स में चेंज बी बाय एच, ये तो ये प्लस मेरे पास 1/2, इसके साथ 1/2। हमने इतने मतलब ऐसे क्वेश्चंस कर लिए हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम बने, मतलब चांसेस हो सके, ठीक है। और एक टिपिकल सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा गए ताकि आप लोगों को थोड़े लेंथी क्वेश्चन, वैसे जो ट्रेंड चल रहा है वो इसके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट हम रिस्क फैक्टर कोई नहीं लेना चाहते, ठीक है, 2 का बनता है, 1 के बनते हैं, आगे इसका ट्रेंड था 4 का, बट 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे से डिलीट हो चुके हैं, है ना, क्योंकि 4 मार्क्स में केस स्टडी आती है, इसीलिए फिर भी हम लेंथी क्वेश्चन जरूर करेंगे। शो दैट 2 tan इनवर्स tan अल्फा बाय 2 tan पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन अल्फा cos बीटा ओवर cos अल्फा प्लस साइन बीटा, ये प्रूफ करना। अब क्या करें, सबसे पहले क्लियर कट है ये 2, इसको हम खत्म करना चाहते हैं, तो क्या करें, इस पूरे को
मान लिख, तो आपको पता है कि 2 tan इनवर्स x किसकी इक्वल होता है, tan इनवर्स मेरे पास जो है 2x ओवर 1 माइनस x, आई एम यूजिंग दिस वन, ठीक है। लगता बहुत है कि इतना बड़ा, कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट करेंगे, tan इनवर्स 2, अब मेरे पास जो है x, x ही पूरा है, अल्फा बाय 2 tan पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय ओवर 1 प्लस स्क्वायर आएगा, सॉरी 1 माइनस मेरे पास जो है स्क्वायर आएगा, तो ये पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय, ओके। अब क्या करें, आपको पता है हमें एंगल पाई बाय 2 को भी खत्म करना है, पहले ये 45 का कॉन्सेप्ट ना खत्म कर दें, फिर देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह लगा दी, जो कटिंग होनी होगी वो हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पर बेटा क्या बना, tan इनवर्स 2, जहाँ एंगल वाली टर्म को आप ब्रैकेट में डाल दो, 2 tan अल्फा बाय 2, हाँ जी 1 माइनस tan बीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan बीटा बाय 2, ओके जी, ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब यहाँ स्क्वायर है ना बेटा, तो ये सारी टर्म का स्क्वायर आएगा, किसका, 1 माइनस tan बीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan बीटा बाय 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आ सकते, चले आगे। अब क्या करना है, कैलकुलेशन ही करनी है। अब देखो ये स्केयर में, यानी इसका भी स्केयर इसका भी, ये एक बार है, एक बार इससे ये क्वांटिटी कट जाएगी, मेरे पास सिंगल टर्म रह जाएगी, वो कहाँ आ जाएगी, न्यूमिनेटर में आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, a माइनस tan बीटा बाय 2 और a 1 या a मान लीजिए जैसे भी, 1 प्लस tan बीटा बाय 2, यानी a माइनस b और a प्लस b, तो मैं उसकी जगह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकता हूँ, ठीक है। पहले एलसीएम लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले, आई एम रबिंग दिस, जो प्रूफ करना है वो देख लेंगे, ठीक है। मैं एलसीएम ले लूँ, तो जब मैंने एलसीएम लिया, नीचे मेरे पास क्वांटिटी देखिए क्या बन गई, दैट इज tan इनवर्स, और मेरे पास अंदर 2 tan अल्फा बाय 2 1 माइनस tan बीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan बीटा बाय 2, अभी मैंने ऐसे ही लिखा, ठीक है। डिनोमिनेटर में मैं एलसीएम लेने लगी, 1 प्लस tan बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 एंड 1 माइनस tan बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेट मी शो यू, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया एंड कर दिया। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी ना मेरे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, tan इनवर्स 2 tan अल्फा बाय 2, अब ये वाली टर्म मैं न्यूमिनेटर में, रेसिप्रोकल होगा ना, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया होगा ओवर मेरे पास जो टर्म है, ठीक है। इसको सॉल्विंग करेंगे, तो मेरे पास बेटा यहाँ पर सॉल्विंग करने के लिए अब क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने ओपन कर रहा है सारा टर्म्स को और मैं कॉमन लेने की कोशिश कर, अगर कुछ कॉमन निकलता है ना, तो मेरे पास बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकलता मेरे पास, और यहाँ पर
tan square मेरे पास हो गए अल्फा बाय टू है, और उधर मेरे पास क्या है वन माइनस टेन बीटा बाय टू का हो गया, यहाँ माइनस और यहाँ पर, तो मेरे पास कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर बेटा क्या करूँगी, व्हाट आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं ब्रैकेट्स को ओपन करके कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँ, कुछ फैक्टर्स बनाने की कोशिश करूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो, ठीक है। तो उसके लिए बेटा मैं पहले ओपन कर रहा हूँ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी टू टेन बीटा बाय टू, ठीक है जी, यहाँ पर माइनस टेन स्केयर अल्फा बाय टू, हाँ जी, अंदर मेरे पास हो गया टर्म, क्या बचेगी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू टेन बीटा बाय, ओके जी, क्लियर। अब मैंने देखना है कि टेन, देखो टू टेन बीटा बाय टू, टू टेन बीटा बाय टू, ये दोनों लाइक लाइक टर्म्स हैं, मैं इसको कंबाइन करूं तो मेरे पास अब आगे देखिए क्या बचता है, लेट अस सी, टेन इनवर्स, इसको कहते हैं रीअरेंजिंग, है ना, या ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करेंगे, हमें जो रिक्वायरमेंट है ना, अगर आपको नहीं समझ आता आप रिक्वायरमेंट को देखा करो, मुझे बीटा बाय टू मुझे अल्फा बाय टू आंसर में नहीं चाहिए, तो मुझे ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिससे डबल एंगल बने ताकि मेरी ये हाफ एंगल सब चेंज हो, ठीक है। तो ऊपर तो मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, मैंने एज इट इज लिख दी, सिर्फ डिनोमिनेटर वाली टर्म को मैं एडजस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए बेटा अब मैं यहाँ पर टर्म्स देखूँ, जब मेरे फैक्टर्स बन जाए, पहले मैं ये कॉमनली नहीं मिस, ठीक है, फिर ये देखिए वन प्लस टेन स्केयर बीटा बाय टू, वन प्लस टेन स्केयर बीटा बाय टू, इसको भी कॉमन ले सकती, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले वन प्लस टेन स्केयर बीटा बाय टू मैंने लिखा, दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ बचा वन, जब ये ब्रैकेट खोलूंगी यहाँ बचा माइनस टेन स्केयर अल्फा बाय टू, अब रह गई ये टर्म और ये टर्म, यहां से मैंने कॉमन लिया टू टेन बीटा बाय टू, अब अंदर क्या बचा यहाँ पर वन, यहाँ क्या बचा माइनस टेन स्केयर अल्फा बाय टू, प्लस हो जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस था यहाँ माइनस था, इट बिकम प्लस, अब देखिए फैक्टराइजेशन होगी ना मेरी, इसका क्या बेनिफिट होगा अभी आपको अगले स्टेप में पता चलेगा, उसके लिए अब मैं क्या करूंगी, मैं अब अपर पार्ट रब कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन। अब बेटा मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू से डिवाइड कर देती हूँ, मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू से डिवाइड करूंगी, तो बेटा मेरे पास क्वेश्चन बन जाएगा टेन इनवर्स टू टेन अल्फा बाय टू ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ पर इतने, अब अगली रिक्वायरमेंट देखती हूँ कि मेरे पास क्या बन, ये आया साथ में मैं वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाय टू से भी डिवाइड करूँ, उसका बेनिफिट क्या होगा, ये कॉस का बन जाएगा, ये साइन का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी मैंने क्या किया इस टर्म से जो है जब डिवाइड किया तो यहाँ पर अल्फा के नीचे अल्फा वाली एडजस्ट करना, बीटा के नीचे बीटा वाली एडजस्ट करना, ठीक है बेटा। तो जब मैंने दोनों से डिवाइड किया यहाँ पर ये टर्म कट जाएगी और मेरे पास वन माइनस टेन स्केयर अल्फा बाय टू के नीचे वन प्लस टेन स्केयर अल्फा बाय टू हो जाएगा, क्योंकि ये वाली कैंसिल होगी, यहाँ पर टू टेन बीटा बाय टू के नीचे ये अल्फा वाली कट जाएगी, यहाँ पर सिर्फ बीटा वाली टर्म रह जाएगी, अब क्लियर करते हैं बेटा, ये किसका फॉर्मूला है साइन अल्फा का, ये किसका फॉर्मूला है कॉस अल्फा का, ये किसका फॉर्मूला है कॉस अल्फा का, ये किसका फॉर्मूला है साइन अल्फा का,
साइन बीटा, यही प्रूफ करना था हमने कि टैन इनवर्स साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा। ओके बेटा, क्लियर? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल करना बेटा।